बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है कंसिस्टेंस ऑफ डेटा। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो एसोसिएशन से रिलेटेड है, और एसोसिएशन क्या होता है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वी मस्ट बी डील विद टू टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट इज द क्वांटिटेटिव, सेकेंड इज द क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेसिकली क्या है? देखिए, क्वांटिटेटिव मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, हमारे पास वो डेटा होता है जिसमें हम मेयरमेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज ले रहे हो, वेट्स ले रहे हो, उसको मेयर करते हैं। क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी को डिस्कस करते हो, हम उसको मेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आईज कलर है, ब्यूटी है, हेयर कलर है, इंटेलिजेंस है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके आप एब्सेंस और प्रेजेंस बता सकते हो, बट आप इसको मेयर नहीं कर सकते। अगर वो उसमें मौजूद है किसी पर में तो आप कहोगे कि प्रेजेंस है, अगर वो नहीं मौजूद तो वो एब्सेंस है। इसी तरह इनसे रिलेटेड हमने न्यूट्रिशन एंड टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था कि अगर कोई खसूसियात उनमें प्रेजेंस है तो हम उसको किससे डिस्कस करते थे, ए बी और सी जो हमारे पास थे वो प्रेजेंस को शो कर रहे थे, पॉजिटिव एट्रीब्यूट को शो कर रहे थे। कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स इज द सेम थिंग क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो ए बी सी जो है वो आपके पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स या हमारे पास जो प्रेजेंस होते थे उसको शो करते थे। फेलियर को हम कहते थे अल्फा बीटा एंड गैमा जो है वो शो करें। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो आज का टॉपिक है ना वो एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, और वर्ड यूज हो रहे कंसिस्टेंस। देखिए, कंसिस्टेंस बेसिकली क्या है? कंसिस्टेंस डेटा वो होता है जिसमें किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होती, किसी किस्म की मिस गाइड लाइन्स नहीं आपके पास होती। मतलब कंसिस्टेंस डेटा आपके पास पॉजिटिव डेटा आप एक तरह का कह सकते हो जिसमें नेगेटिविटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो इनएक्यूरेट एडिशन है वो मौजूद नहीं होती, सब्सट्रैक्शन या ड्यू टू मिसप्रिंट अक्सर हो जाता है, रॉन्ग काउंटिंग हो सकता है, वो उसमें मौजूद नहीं होती। अगर वो मौजूद है आपके डेटा में तो वो कंसिस्टेंस डेटा नहीं है, बल्कि उसको फिर हम कहेंगे कि वो आपके पास इनकंसिस्टेंस डेटा। तो बेसिकली कंसिस्टेंस ऑफ डेटा क्या है कि जिसमें हम, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो आप ये नोट डाउन करने में लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूँ, बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसिस्टेंस ऑफ डेटा क्या होता है। कि द क्लास फ्रीक्वेंसी दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन वन एंड सेम पॉपुलेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे कंफर्म विद वन अनदर एंड डू नॉट कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। कि हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसीज उस वक्त हम कहते हैं कि कंसिस्टेंस ऑब्जर्व की जाती है कि जब उसमें किसी किस्म का कंफ्लिक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो एक दूसरे से कोई मुतजाद नहीं रखते, मतलब पॉजिटिव डेटा होता है, नेगेटिविटी पाई नहीं जाती है। इसी तरह हम कहते हैं कि उस क्लास फ्रीक्वेंसी आप, अगर आपके पास जो भी है ना वो नेवर बी नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इट्स मीन आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये याद रखें कि इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन एवर बी नेगेटिव। कंसिस्टेंस डेटा में नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन एवर बी नेगेटिव, नेगेटिव आपके पास नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव द डेटा इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। अगर वो नेगेटिव आ रही है, उस डेटा में आपके पास नेगेटिव डेटा आ रहा है, तो वो फिर हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंस डेटा होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। हम कहते हैं कि अगर कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई एक भी क्लास फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव आ रही है तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट, बट अगर ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉजिटिव देन डेटा इज कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंस डेटा क्या होता है, मैं ये लिख देती हूँ आपको, ये आपका ना कॉन्सेप्ट शॉर्ट तरीके से मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ हो कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंस डेटा क्या है। अब देखिए, इनकंसिस्टेंस और कंसिस्टेंस डेटा क्या है, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस की अगर बात कर रही हूँ तो इनकंसिस्टेंस हमारे पास डेटा कौन सा है कि जिसमें हम कहते हैं कि क्लास एनी क्लास फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव। ठीक है, जिसमें कोई भी एक क्लास फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव आ गए, एनी क्लास फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव। अब अगर उसमें कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ रही है तो डेटा इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंस, वो आपके पास इनकंसिस्टेंस कराएगा। और अगर ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉजिटिव द डेटा इज सेट कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस डेटा क्या होगा, ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है, या आपसे वैसे भी पूछी जा सकती हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑल क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉजिटिव, अगर तमाम की तमाम क्लास फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो डेटा इज सेड टू बी कंसिस्टेंस। अब इनकंसिस्टेंस में हमारे पास कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंस कहलाता है।
वो रीजंस आपके पास क्या आ जाती है, रॉन्ग कैलकुलेशन हो सकती है कि आपने कैलकुलेट जो है वो रॉन्ग की है, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग कैलकुलेशन आ रही है तो वो भी हमारे पास क्या है, इनकन्सिस्टिंग है। रॉन्ग काउंटिंग आप कर रहे हो, काउंटिंग आप गलत कर रहे हो, तो वो भी हमारे पास क्या है, डेटा इनकन्सिस्टेंस में आ जाता है। इसी तरह इन एक्यूरेट एडिशन, आप कोई भी कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो इन एक्यूरेट एडिशन है, एक्यूरेट नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि ये वाकई इतना एडिशन है, तो उसकी वजह से भी जो आपका डेटा है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन, अगर आप कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से, तो आपकी जो कैलकुलेशन है ना, जो काउंटिंग है, उस पे असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंसी की जो एक लाइन होती है उसे पार कर जाता है, वो इनकंसिस्टेंसी में आ जाता है। इसी तरह आप कह सकते हो कि ड्यू टू मिस प्रिंट, समटाइम्स आपके पास डेटा अवेलेबल होता है लेकिन वो मिस प्रिंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ड्यू टू मिस प्रिंट द डेटा इज हैड टू बी इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास दीज आर द रीजन फॉर द इनकंसिस्टेंसी है, जो कि आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको कहा जाता है कि आपका डेटा इनकंसिस्टेंट किस वजह से होता है, या आपको वैसे भी कंफर्म पता होना चाहिए, अपना जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से होता है, रॉन्ग काउंटिंग की वजह से होता है, इन एक्यूरेट एडिशन की वजह से होता है, सब्सट्रैक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू मिस प्रिंट की वजह से होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंस ऑफ द सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी, नो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव। अब कंसिस्टेंट डेटा के लिए एक बहुत ही अहम कंडीशन जो हमारे पास होती है कि कोई भी अल्टीमेट क्लास जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो डेटा हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर एक क्लास भी नेगेटिव आ जाती है तो डेटा हमारे पास किसमें चला जाता है, इनकंसिस्टेंस में चला जाता है। तो हम कहते हैं टू टेस्ट द कंसिस्टेंस ऑफ डेटा वी कैलकुलेट द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन डेटा, इफ एनी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी टर्न्स टू बी नेगेटिव डेटा विल बी इनकंसिस्टेंट। वही बात कि आपकी तमाम जो क्लास फ्रीक्वेंसीज है वो तमाम की तमाम पॉजिटिव होना चाहिए, इफ एनी क्लास फ्रीक्वेंसी टर्न्स टू बी नेगेटिव, टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, कि अगर वो कोई भी एक क्लास फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है, तो वो डेटा आपका इनकंसिस्टेंस कहलाता है, वो डेटा आपका कंसिस्टेंस नहीं कराएगा। और इनकंसिस्टेंस के जो रीजन है वो मैंने आपको लिख दी गई है, ये आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारे पास मेन चीज जो आपने याद रखनी है कि अगर आपने अपना डेटा, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट होने की क्या रीजन है, तो कंसिस्टेंट होने की रीजन इसका ऑपोजिट आपने बतानी है कि अगर डेटा कंसिस्टेंट है तो उसमें कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, अगर डेटा कंसिस्टेंट है तो एक्यूरेट एडिशन होनी चाहिए, अगर डेटा कंसिस्टेंट है तो उसमें सब्सट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर डेटा कंसिस्टेंट है तो उसमें मिसप्रिंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट डेटा के लिए एक्यूरेट काउंटिंग, एक्यूरेट एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एब्सेंस ऑफ मिसप्रिंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसिस्टेंस ऑफ डेटा। तो ये स्टूडेंट आपने रीजन याद रखनी है, जो कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, व्हाट इज द कंसिस्टेंस डेटा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।